जय जगन्नाथ। कटक केवल गोटे कटक सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक जीती जागती वस्तु है जिसकी एक आत्मा है, प्राण है, हृदय है जो धड़कता है। वो धड़कन कटक में बसते या इसे छोड़कर दूसरे प्रांत में गए या दुनिया के किसी भी कोने में बसते लोगों के कानों में गूंजती रहती है। उत्सवों और त्योहारों का देश है भारत। यहां हर उत्सव को आनंद, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्सव के मौके पर मेलों का आयोजन भी यहां एक आम बात है, पर ये आम मेले कुछ खास हो जाते हैं अपनी कुछ विशेषताओं के कारण। एक ऐसा ही मेला है बाली जात्रा। भारत के पूर्वी तट पर है ओडिशा और ओडिशा का प्राण केंद्र है कटक। हालांकि भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, पर कटक ओडिशा की पूर्व राजधानी था। उसी कटक की परंपरा, कटक की संस्कृति, यहाँ सब कुछ 1000 वर्ष पुराना है। यह एक प्राचीन नगर के रूप में भारतवर्ष में जाना जाता है। यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। उसी कटक का एक सुप्रसिद्ध मेला है बाली जात्रा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा की पूर्व राजधानी कटक के समीप प्रवाहित महानदी के किनारे हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से लेकर एक सप्ताह तक इस विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले की विशेषता है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ओडिशा के लोग व्यापार करते थे, इसे सिर्फ व्यापार नहीं कह सकते हैं, और वो भी नदी और समंदर पार करते हुए विदेश में व्यापार। ये एक बड़ी बात है। इन बातों को, इन यादों को और इन खूबसूरत लम्हों को अपने दिल में, अपनी धड़कन में संजोए रखने के लिए बाली जात्रा की कल्पना की गई थी। प्राचीन काल में ओडिशा के व्यापारी इसी महानदी के तट से बड़े बड़े जलयानों में साहसिक नौ यात्रा पर निकलकर महानदी और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीपों की यात्रा करते थे। बाली यात्रा की एक विशेषता है, शोधकर्ताओं का कहना है कि 2000 सालों से यह मेला लगता आया है, क्योंकि उस समय उड़ीसा के व्यापारी नौ वाणिज्य के लिए सुदूर जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीपों की यात्रा करते हुए वहां व्यापार कर वापस आते थे। यहां से वस्त्र, मसाले आदि कई प्रकार के सामान ले जाकर उसे वहां बेचकर वहां से वे लाते थे आकर्षक तथा दैनिक जीवन की कई उपयोगी वस्तु, जिन्हें वे अपनी वापसी यात्रा के अंतिम पड़ाव उसी महानदी के तट पर प्रदर्शित तथा विक्रय करते थे। और उसी बाली द्वीप की यात्रा की स्मृति में इसे बाली जात्रा कहा जाने लगा। सदियों से आयोजित होते आ रहे इस मेले का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता चला गया और विशाल होता चला गया। व्यापार के साथ साथ इससे जुड़ते गए मनोरंजन के कई साधन। आज इस मेले में बड़े बड़े झूलों के साथ साथ तरह तरह के मनोरंजक खेल भी देखने को मिलते हैं। बच्चे तो इस मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं। मेला लगे
और वहाँ खाने पीने का इंतजाम ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? यहाँ कटक के सुप्रसिद्ध दही बड़ा आलू दम के साथ साथ अब कई देशी विदेशी व्यंजन मिलने लगे हैं। पनीर की स्वादिष्ट सब्जी के साथ ठुमका पुरी के नाम से जाने जाने वाली बड़ी पुरी वो विशेष व्यंजन है जिसका आनंद वर्ष में सिर्फ एक बार इस बाली यात्रा में ही उठाया जा सकता है। बाली यात्रा में सुई से लेकर हाथी तक लगभग सभी वस्तु उपलब्ध होती हैं। यहाँ तरह तरह की चीजें देखने और खरीदने को मिलती हैं। इनके अलावा मनोरंजन के भी बहुत साधन होते हैं जिसका आनंद बच्चों से लेकर बूढ़े तक उठाते हैं। यहाँ तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों के व्यंजन लेकर व्यापारी यहाँ आते हैं। यहाँ एक खाद्य मेला भी लगता है। रोज लाखों लोगों के यहाँ आने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं के लिए अपने सामान का प्रदर्शन करने का ये एक उत्तम अवसर होता है। विज्ञापन के लिए तो ये एक सुनहरा मौका है। लगभग 1500 एकड़ क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस मेले का सुचारू आयोजन स्थानीय प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य होता है जिसे कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग द्वारा बखूबी निभाया जाता है। बिजली विभाग द्वारा निरंतर बिजली की आपूर्ति भी एक प्रशंसनीय कार्य है। हर वर्ष इसे और भी बेहतर ढंग से आयोजित किए जाने के लिए कई रचनात्मक कदम उठाए जाते हैं। प्लास्टिक से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जन जागृति पैदा करने के लिए यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को निषिद्ध किया गया है। ऐसा अनोखा मेला भारत में शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा, इसीलिए बाली यात्रा को किस तरह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले इस हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए हम कटकवासी पूरी तरह आशावादी हैं। सारे विश्व में एक दिन बाली यात्रा को सबसे बड़े ओपन एयर ट्रेड फेयर के रूप में मान्यता मिलेगी। भगवान श्री जगन्नाथ से हमारी यही प्रार्थना है। जय जगन्नाथ। 2019 में इस विशाल मेले को राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार की मान्यता के साथ इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिए जाने के लिए प्रयास जारी है।